डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज़ सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। रायबरेली जनपद का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में गिना जाने वाला रेतीराम का तालाब आज अपनी बदहाली अवस्था में आंसू बहा रहा है। बताते चले कि इस तालाब को देखने खुद कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और जनपद के तमाम दलों के राजनीतिक छवि वाले लोग पहुंचते रहे हैं। सोनिया गांधी ने पार्क के सुंदरीकरण के लिए धन भी उपलब्ध कराया, परंतु सभी कवायद धरी की धरी रह गई। बताते हैं कि कभी यहां पर राजा और रानी नहाते थे। दोनों लोगों के लिए नहाने के लिए अलग अलग तालाब बने हैं। रानी और उनकी दासियाँ जहाँ कपड़े बदलती थीं, वहाँ भी आज प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम लिखे दिखाई देते हैं। स्थानीय निवासी इन सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन और इस स्थल पर पर्यटन करने वाले लोगों को बताते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ना तो कभी तालाब का पानी साफ किया गया और ना ही पानी निकाले जाने की कोई व्यवस्था की गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तालाब में एक बहुत बड़ी मछली भी लोगों को देखने को मिलती है, जिसे बताते हैं कि वह सोने की नथनी भी पहने हैं। लेकिन इन सब के बाद आज तालाब अपनी अवस्था पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस तालाब का सौंदर्यीकरण करवाने की बात जिला प्रशासन से की है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। ये रेतीराम तालाब का वो भाग है जहाँ पे रानी साहिबा नहाने आती थी। अब आप देख सकते हैं कि इस तालाब की दुर्दशा क्या है। अपने कैमरामैन चाहेंगे दिखा दे इसको, जो है गंदगी इस तालाब में है जहाँ पे रानी साहिबा नहाती थी। बताते हैं कि रानी साहिबा इस तरफ नहाती थी, राजा साहब उस तरफ नहाते थे। रानी साहिबा के साथ उनकी सहेलियाँ, सखियाँ और दासियाँ भी आती थी, और उनका कपड़े बदलने का स्थान भी इस पार्क में बना हुआ है। हम चाहेंगे कि वो दिखा दें। यहाँ पे रानी साहिबा अपने सखियों के साथ, अपनी दासियों के साथ आके अपने वस्त्र बदलती थी, और आप आज देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम लिखे हुए हैं, जिनकी पहचान उन्होंने बंदर कर रखी है। कुछ लोगों के नाम दिख भी रहे होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि रायबरेली की एक विरासत, एक धरोहर, एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आज अपनी बदहाल अवस्था में टहल रहा है, बदहाल अवस्था में है। और मजेदार बात यह है कि अभी कुछ देर पहले जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारी, जिला अधिकारी जिनको जिले का सर्वे सर्वा कहा जाता है, वो यहाँ पे आई हैं, इसको देखा है। उम्मीद की जाती है कि शायद होने आने वाले समय में इस पर कोई सुधार हो सके। अगर सुधार नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब कि रायबरेली की विरासत एक और अपने समाप्ति होने की इसकी कहानी है। कैसे ये बना हुआ है, हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम हरिकरण कुशवाहा है सर। मैं अयहपुर निवासी राम प्यार कुशवाहा का लड़का हूँ। जितना हमको नॉलेज है उतना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आज हमारे पिताजी की उम्र 97 साल है, और उसके बाद आज कम से कम छः सात साल पुराना होगा, 600-700 साल पुराना। अब इसकी मानता कुछ नहीं है, अब यही है जो चीज़ सामने है आप लोगों के। अब इसमें सब लोग कहते हैं, हमने भी देखा है, एक मछली है, इतनी बड़ी मछली है, वो नथनी पहने हुए सोने की और दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हमारे हैं गांव के, इतने गंदे लोग हैं, उन्हीं की वजह से तालाब बेकार है। नहीं, तालाब तो इतना अच्छा होता कि जब हमारी सोनिया मैडम आई थी तब उन्होंने सारा पैसा लगाया, हर चीज़ किया। हम लोग यही मजदूरी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हमारे। अच्छा, ये सोने की मतलब जो मछली बताए सोने की, वो पानी कभी देखा कि? हाँ देखा, हमने देखा है, हमारे पिताजी भी देखे, हमने भी देखा। अभी 3-4 साल पहले देखे थे, जब पानी ऊपर तक आ गया था तब देखे थे। हमसे बड़ी है मछली, इतनी मोटी मछली है क्या। अच्छा, इस तालाब के पानी की कभी सफाई भी होती है? सफाई तो सर अभी हमारे हिसाब से कभी नहीं हुई। हम ही लोग पीछे तालाब पर नाला है, उसी को हम ही लोग बांध देते हैं सब लोग मिलके, तो पानी आ जाता है, वही पानी वापस चला जाता है, और सफाई तो हमारे बारे में नहीं। हाँ, एक बार अभी हुई थी, और दवाई वगैरह चूना वगैरह अभी छोड़ा गया था, जब अभी नगर पालिका अध्यक्ष हुई थी ना, तभी अभी छोड़ा गया था, और अभी तो सफाई फाई नहीं। अब
असली कहानी समझ में आती है कि लोग बताते हैं कि इसमें एक मछली है जो कि सोने की नथनी पहनी है और 600 साल पुराना ये तालाब बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे संपर्क सरकार में रायबरेली सांसद श्रीमती सोनिया गांधी भी यहाँ पे आके जो है इसका अवलोकन कर चुकी हैं, यहाँ देखी हैं इसको आके और अपने निश्चय से कुछ ना कुछ इसका विकास करवाया है। नगर पालिका अध्यक्ष भी आके यहाँ पे जो है चुना पानी का मतलब चुना और उसका छिड़काव कर चुके हैं, दवा का छिड़काव कर चुके हैं। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इन लोग कहना कि यहाँ के पानी की सफाई की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है, पानी यहाँ से कभी निकाला नहीं गया जिसकी वजह से पानी लगातार गंदा है और गांव के ही लोगों द्वारा यहाँ पे तालाब को गंदा किया जाता है। इनसे एक सवाल और पूछना मैं, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे बाहर से भी कितने लोग आते हैं? सर यहाँ पे इतने लोग आते थे, अभी आप देखते जिस दिन से टिकटॉक बंद हो गया है, नहीं तो हजारों लड़के सुबह से लेकर शाम तक बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं, इसका पानी लेके जाते हैं, इसका पानी बहुत काम आता है। अच्छा जो ये दीवार पे नाम लिखे हुए हैं सब ये घूमने वाले हैं सर? ये घूमने वाले हैं सब घूमने वाले। अगर हम लोग सर मना भी करते हैं ना यहाँ पे। टॉक टाइम्स न्यूज़, सच का साथ, जहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।